ये देखें कितने ज़बरदस्त एकदम क्रिस्पी क्रंची बने हैं। ये देखें इस तरह से अब हम इसको करते हैं ठंडी ठंडी सॉस में और केचप में डिप, और अब हम आपको खा के दिखाते हैं कि कितने मज़ेदार हैं, यमी हैं, बहुत मज़े के हैं और गर्म भी हैं, तो भाई मज़ा आ गया खा के। ज़रूर थम्स अप दिया कीजिए, और आप लोग सब्सक्राइब कर देते हैं मगर बेल का बटन नहीं दबाते, तो आप बेल का बटन दबाया कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सेब पटाटो बाइट्स लेकर आई हूँ। इसकी रेसिपी जो बहुत ईजी होती है, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहले तो ये 3 आलू हैं, आपको जितने चाहे आप ले सकते हैं। तो मैंने इस तरह से ये देखें ये छोटे छोटे से क्यूब्स की शक्ल में मैंने इस तरह से काट लिए हैं। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं जाता, इसमें जाता है ये है कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने एक प्याली के करीब, क्योंकि पटाटो जो है वो ज़्यादा है। और ये आधा चम्मच मैंने लिया है नमक, और ये लिया है मैंने चाट मसाला। बस ये 3 चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें सबसे पहले ये आलूओं में इस जो भी मैंने एक प्याली कॉर्नफ्लोर लिया है इस तरह से आपने डाल देना है सारा। इससे क्या होता है कि हमारे जो पटाटो हैं वो क्रिस्पी बनते हैं, बिल्कुल क्रिस्पी होते हैं। उसके बाद ये 1 चम्मच मैंने भर के चाट मसाला लिया था वो सारा इस तरह से मैंने डाल दिया है। और ये नमक है, ज़्यादा नमक जब तक नहीं डलेगा हमारे उसमें टेस्ट नहीं आएगा आलूओं में, तो नमक ज़रूर डालना है आपने, ठीक है? आप कुछ भी नहीं करना, ये देखें अच्छे से आपने इसको करना है मिक्स बस, ताकि ये सारे जो इसके मसाले हैं वो आलूओं में अच्छे से लग जाएँ। अगर आप को ये मेरी डिशेस पसंद आती है जो मैं अपनी इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए बनाती हूँ, और आपको इतनी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखनी है, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और बेल का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूला कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और थम्स अप तो देना बिल्कुल भी मत भूला कीजिए। ये देखें कितने अच्छे से ये सारे आलूओं में ये सारा मसाला लग गया है, ये देखें इस तरह से, ठीक है? बस मसाले को अच्छे से जो हमने ये जो सारा बनाया है इसको अच्छे से लगाना ज़रूरी होता है, कोई छूट ना जाए, रह ना जाए। ये देखें ये इस तरह से सारे लग गए हैं। अब हम दूसरी तरफ हमने ये फ्राई ऑयल को गरम करके रखा है, ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना वरना आलू जाते ही एकदम से जल जाएंगे, क्योंकि क्यूब्स की शक्ल में है, थोड़े मोटे हैं इसलिए इनको टाइम लगेगा। तो आप इस तरह से बिल्कुल केयरफुली होके जब ये हल्का नॉर्मल ठंडा हो तो इस तरह से आपने डाल देना है। ये देखिए आराम आराम से बिल्कुल केयरफुली होकर डालिएगा, क्योंकि ऑयल का काम करते हैं, तब जब भी हम ये ऑयल का काम करें तो बहुत केयरफुली होकर करना चाहिए ताकि उंगली ना जले, हाथ ना जले, और फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखिएगा, ताकि ऊपर से आलू होता है कि लगते हैं कि पक गए हैं जबकि अंदर से कच्चे होते हैं, तो ये इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है आपने। इस तरह से ये देखें सारे कितने अच्छे से जा रहे हैं, ये सारे इस तरह से डाल दें। बहुत जल्दी और बहुत फटाफट बनने वाले स्नैक्स हैं, बच्चे आपको सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके लंच बॉक्स में आप बना के डालिए, शाम की चाय में आप इसको बना के खाइए, बहुत मज़ा आता है। और हल्की फुल्की भूख में, सर्दियों के दिन हैं, लगती है ऑफकोर्स रात में, तो ये बना लीजिए और इसको खाइए, घर में सब इंजॉय कीजिए, खाएँ इसको बना के। ये देखें आपने मीडियम से स्लो रखना है, बिल्कुल तेज़ आंच नहीं करनी, बस नीचे से ये हो रहे हैं, और इस तरह से झाड़ झाड़ के, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सारा मैंने इस तरह से लेकर ऐसे झाड़ा है ताकि ये सारा झड़ जाए और ये बकाया इस तरह से हो जाए। मैंने कहा मैं आपको दिखा भी दूँ कि इस तरह से लेकर हाथ से झाड़ा सारा और बकाया डाला, ठीक है? ये देखिए मैं इसको भी चम्मच से नहीं हिला रही हूँ, बस मैंने इस तरह से इसको हिलाया है ताकि ये ऑयल में पूरा डिप हो जाए, बस ताकि हम इसको फ्राई करें एक तरफ से उलट पुलट करेंगे जो हमारा मसाला है, ये जो कॉर्नफ्लोर है ये हट जाएगा आलू में से। चलें अब मैं आपको इसके साथ मायोनीज सॉस बनाना सिखाती हूँ। ये देखिए मायोनीज ले लीजिए आप इस तरह से, मैं इस तरह से डालूँगी थोड़ा मायोनीज, ये देखें इस तरह से मैंने डाला, क्योंकि फ्राइज के साथ ये बाइट्स के साथ जब तक ये सॉस ना हो मज़ा नहीं आता। अब ये चाट मसाला है, इस तरह से डाला थोड़ा,
उसके बाद थोड़ा सा केचप डालना है आपने इस तरह से, बस। इसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है। ये देखिए कितनी जल्दी और कितना ज़बरदस्त ये सॉस रेडी होता है। अब इसको थोड़ा सा लिक्विड करने के लिए हमने ज़रा सा पानी ऐड करना है, चाहे तो आप दूध ऐड कर दें। ये देखिए इस तरह से सारा अच्छे से इसको हिलाएं, ये ज़बरदस्त बेहतरीन हमारा ये सॉस बन जाएगा। ये देखिए कितनी क्रीमी, कितनी ज़बरदस्त सी ये सॉस रेडी हो गई है। बाहर से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप घर में इस तरह से बनाएं जैसे आप मैंने बनाई है, बिल्कुल ऐसी है जैसे बाहर की मिलती है। अब मैं इसको हिलाने लगी हूँ आपके सामने। ये देखें इस तरह से इसको, ये देखें इस तरह से, ये सारा इस तरह से आपने हिलाना है, ऊपर नीचे करना है, ताकि हमारे जो ये आलू हैं ये ऊपर नीचे से बिल्कुल पक जाए। अभी ये पके नहीं हैं, अभी कच्चे हैं, इन्हें हम दोबारा छोड़ देते हैं पकने के लिए। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनका सुनते हैं साउंड। ये देखें, देखिए जब इस तरह से ये साउंड आने लगे, ये देखें, तो आप समझ जाएं ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची एकदम मज़ेदार से। ये देखें अब हम फ्लेम को करते हैं ऑफ, अच्छे से इसको झटक कर इस तरह से हम निकालेंगे। ये देखें सारे इस तरह से झटके, अच्छे से आपने तेल को झटक देना है, तेल नहीं आना चाहिए। फिर आप इसका साउंड चेक करिए, कितना ज़बरदस्त, कितने कुरक्रेस एकदम क्रंची ज़बरदस्त से बने हैं। ये है ना कितना प्यारा साउंड आ रहा है, क्रंची क्रंची सा, खाने में कितने कुरकुरे स्पाइसी मज़ेदार एकदम टेस्टी होंगे। ये देखिए इस तरह से आप मेरी वीडियो देखें, सिंपल रेसिपी बनाती हूँ जो हर कोई आसानी से बना सके। ये देखिए सारे रेडी हो चुके हैं। अब हमें करना क्या है कि थोड़ा सा और नमक लेना है इस तरह से, जितना आप खाना पसंद करते हैं आप उतना लीजिए। और ये जो है ये हाफ टी स्पून दोबारा से ये मैं ये भुना कुटा चाट मसाला लिया है इस तरह से, इसको अब इस तरह से हिलाऊंगी। ये देखें ये सारे मसाले अच्छे से ये एकदम से हो चुके हैं, ज़बरदस्त सारे मसाले लग गए हैं आप देख सकते हैं। ये देखें कितने स्पाइसी कितने मज़ेदार लग रहे हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त एकदम क्रिस्पी क्रंची बने हैं। ये देखें इस तरह से अब हम इसको करते हैं ठंडी ठंडी सॉस में और केचप में डिप, और अब हम आपको खा के दिखाते हैं कि कितने मज़ेदार हैं, यमी हैं, बहुत मज़े के हैं और गर्म भी हैं, तो भाई मज़ा आ गया खा के। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें, कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताया कीजिए कि आपको मेरी डिशेस कैसी लगती हैं, और क्या कहते हैं ज़रूर 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 थम्स अप दिया कीजिए। और आप लोग सब्सक्राइब कर देते हैं मगर बेल का बटन नहीं दबाते, तो आप बेल का बटन दबाया कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। चलें अब मुझे दीजिए इजाज़त एक और नई वीडियो के साथ, मैं मिलती हूँ, जब तक अपना ख्याल रखें। ओके अल्लाह हाफिज़।